हरे कृष्ण मना बहोरी तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसा सीसा जी पुन पुन सीसा बंदा बार बार जगदीसा एकंकार सतगुरु ते प्रसाद सचो ते है बेगन बिनासन सोए जम है अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब योदद बंदो कर अनुराग ग्रंथ साहिब योदद बंदो कर अनुराग दोहरा वीरवार थित पंचमी कातक शुद्धि सुजान पई प्रभाते आनंद चित श्री मुख कमल समान वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह जुग जुग अटल जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी परम सन्मान योग सत्कार योग गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो नौवें पातशाह वैराग त्याग ते अनुराग दी मूर्त सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दे पवित्र पावन इतिहासक स्थान ते नतमस्तक हो के अपने जीवन दियां घड़ियां गुरु लेखे ला के सफला कर रहे दीन दयाल सतगुरु गुरु कलगीधर श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे पवित्र इतिहास की चल रही लड़ीवार कथा आप जी बहुत ही अदब सत्कार सहित कर रहे श्री गुरप्रताप सूरज प्रकाश ग्रंथ की चल रही लड़ीवार कथा जो 2016 आप प्रारंभ की गुरु चरण चरदास करके समाप्ति के पड़ाव वल वध रही है अंदाजा है कि अगले महीने 8 या 9 जून तक कथा की समाप्ति होगी। कलगीधर जी ज्योति जोत समावन दियां तैयारियां कर रहे हैं दयानिध स्वामी खालसे दे मन च बैराग वेख्या है सिंघां नूं धीरज दिता है कत्तक सुधी दूज वाले दिन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का प्रकाश करके
पांच पैसे श्री फल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे सानमुख भेट करके मन वच कर्म करके तीन परकर्मा करके हुक्म कीता है कि अज तो बाद खालसा जी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नू अपना गुरु जानना। ये प्रगट गुरां की देह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे दर्शनां विच्चों तुहानू साडे दर्शन होणगे, गुरबाणी पढ़ के साडे नाल गल्लां होणगियां ते श्री गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी सुन के साडे बचन सुणोगे। ये हुक्म सतगुरु जी ने करके व्यक्तिगत गुरु परंपरा नू समाप्त करके शब्द गुरु परंपरा नू सदैवी तौर ते गुरु पंथ दे विच स्थापित कीता। सिंघां दे मन दा विराग वेख के सतगुरु जी बचन करदे ने, खालसा जी ये शरीर नश्वर ने, नाशवान ने, पंजां तत्तां तों बने ने। काल ने एक समय इन्हां पंजां तत्तां नूं भी समाप्त कर देना है। ते जे पंज तत्त जिहड़े कारण हन, कारण ही खत्म हो गया ते फिर पंजां तत्तां तों होया कारज शरीर ए तां बिनसण गई। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। ये सारा जगत काल का तमाशा है। इसे तरह ये संसार दी बनतर जुगा जुगा तो चल रही है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय, रामचंद कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। मोन दी मदार के ते असनी कुमार के ते अंसा अवतार के ते काल बस पए। मान से महीप और दलीप कैसे छत्रधारी, भोग भोग भूमि अंत भूमि में लय हैं। तो इस प्रकार ये संसार इसे तरह चल रहा है। ये हुक्म महाराज समुचे खालसे पंथ नूं करके हौसला दे रहे ने कि जो सत चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वह सत है और सदैवी है। गुरु परोपकार करन लई संसार दे जीवां दे भले लई देह धारदा है और जीवां दे कल्याण करके भला करके भले रस्ते ते चला के मुड़ के फिर अपने निराकार स्वरूप दे विच गुरु जा समाउंदा है। आओ मन बिरतियां एकागर करके पंथ दे वाली गुरु कलगीधर जी दे पावन इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा सरवण करिए। हाजरियां लवाइए गुरु चरणा विच, समूह माई भाई अपनी रसना नूं पवित्र करो ते आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, दोहरा वीरवार थित पंचमी, कातक शुदे सुजान। वीरवार दा दिन आया है, कत्तक सुदी पंचमी दी तिथ है, तारीख है। मस्या तो पंजवे दिन पंचमी दा दिन है। सुदी तां कहिंदे आ क्योंकि चानणे पख दा 15 दिन चानणे पख दे आ, 15 हनेरे पख दे। चानणे दे नाल चंद्रमा नाल संबंध रखण वाले 15 दिनां नूं सुदी दे दिन कहिंदे हन और जिहड़े हनेरे दे 15 दिन हुंदे आ पूर्णमाशी तों मस्या तक उह वधी कहे जांदे ने। इदां तिथां हन इत्थे जिहड़ी आपां पंचमी मनाउने हां, चानणे पख दी पंचमी मस्या तों पंजवें दिन मनाउने हां सुधी पख दी पंचमी।
नौवें पातशाह दी शहादत भी सुधी पंचमी नूं होई मगर सुधी पंचमी नूं। कलगीधर पातशाह भी वेखो देव नेत सचखंड जाण दी तारीख जिहड़ी है महाराज जी दी सतगुरां दी भी कत्तक सुधी पंचमी दी तिथ है। तो कत्तक सुधी पंचमी दा दिन आया है। भई प्रभाते आनंद चित श्री मुख कमल समान। प्रभात होई है, थोड़ी जी लो लगी है, आनंद चित सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज जी का चेहरा कमल दे फुल दे समान खिड़िया होया है। चो पाई गिरा सुगंध लेन के कारण। जिवें कमल दे फुल दी सुगंधी लैण लई भवरे आउंदे आ ना कोल कमल दे, कमल खिड़दा जदों, इसे तरह गुरु रूपी मुख विच्चों कमल रूपी मुख विच्चों गिरा रूपी सुगंधी लैण वास्ते मिले चाहे नर मदप हजारन। हजारा की गिणती विच जेड़े भौरियां दे समान मनुख ने ओ कलगीधर जी दे मुख मंडल विच्चों गिरा रूपी वाणी रूपी सुगंधी लैण वास्ते आ रहे हन। जग्या बिखे सुन सुन गाने आए गए। यग कीता सी एक दिन पहला सतगुरां ने सारिआं नूं भोजन छकाया जिन्हां जिन्हां ने सतगुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज जी बारे सुनिया के सतगुरु जी ने सचखंड जाण दी तैयारी कीती है। अपरन संग जनावत पए। उन्हां ने जाके होरां नूं सुनाया जिहड़े यग चों लंगर छक के गए ने सतगुरु जी दे दर्शन करके गए ने उन्हां ने अगे होर कईआं नूं सतगुरां बारे दस्या। जै कै सुध पहुंची गुर केरी। जिथे किथे हर पासे महाराज गुरु कलगीधर पातशाह जी दे सचखंड जाण दी खबर पहुंच गई। महिमा पाकत बडो बडेरी। और सतगुरु जी दी वड्डी भारी महिमा कलगीधर पातशाह जी दी वड्डी वड्याई हर पासे हर जगह ते वर्णन हो रही है। दसम गुरु सोडी सुल्तान। के दसवें गुरु जो सोडियां दी कुल दे सुल्तान हन। श्री गोबिंद सिंह बिदत जहान। जो श्री गुरु गोबिंद सिंह रूप हो के सारे जहान विच सारे जगत विच सारे संसार दे विच प्रगट हन। बैरी बन को बन बिसाला। जिहड़े बैरियां दे जंगल वास्ते अग्नि दे समान ने, जिवें जंगल नूं अग साड़ के सुआह करदी है ना, इदां जिहड़े वैरी ने गुरु घर दे दोखी मलेछ उन्हां जंगल रूपी वैरियां वास्ते कलगीधर पातशाह जी महाराज वनी अग दे समान हन। वीरन बीच बड़े बल वाला। दुनिया दे जिन्ने वीर योधे हुण तक कहे ने जां आउण वाले समें च कहे जाणगे उन्हां सारे वीरां चों उन्हां सारे योधियां विचों सब तो वड्डे योधे वीर बली गुरु कलगीधर जी हन। लरे असंख संग कन श्यामो। कहिंदे कहा जांदा द्वापर युग दे विच असंख दुश्मना नाल कन श्याम भगवान कृष्ण जी लड़े हन। तिम अतरति पयो इन नामो। पर कली काल दे समय विच गुरु कलगीधर पातशाह अणगिणत दुश्मना दे नाल लड़े ने, इस करके कलगीधर पातशाह आतरथी सूरमे हन। आतरथी सूरमा उन्हूं कहिंदे आ जिहड़ा अपने तो अणगिणत दुश्मन दे नाल लड़ के उन्हां ते जित प्राप्त कर लवे गुरु खालसा जी, उन्हूं आतरथी सूरमा कहिंदे आ। लोग गल्लां करदे ने कहिंदे कलगीधर पातशाह जी महाराज आतरथी सूरमे हन। कितक दिवस सुध प्रथम सुनाई। सतगुरु जी ने अपने सचखंड जाण दी खबर कुछ दिन पहला ही सुना दिती है सारिआं च।
उन्हें पहला ही सारी संगत को सारे सिंघां नूं कह दिता है कि असी सचखंड प्याने दियां तैयारियां कर लिया हन। करें परलोक गमन गत दाई, मुक्ति दाते सतगुरु जी परलोक गमन करना चाहते ने, सचखंड जाना चाहते ने, और यह बात यह खबर सतगुरु जी ने अपने सचखंड जाने तो कुछ दिन पहला दस दिती है। औद पंचमी तिथ लो आज, आज जेड़ी पंचमी दी तिथ है, आज तक कलगीधर पातशाह ने वचन किया कि असी पंचमी वाले दिन सचखंड जाना है, ज्योति जोत समावना है। आज ताई सतगुरु जी शरीर करके संसार च दर्शन देंगे। करियो सकेलन सकल समाज, और सचखंड जाने लई जेड़ी जेड़ी समगरी चाहीदी है वो सारी समगरी गुरदेव ने हुक्म करके इकट्ठी करवा ली है। दौर दौर पहुंचो तिन पोर, चलो भाई छेती चलो, चल के उन्होंने दरां ते उन्होंने दर्शन कर लो। चलो भाई छेती चलो, चल के कलगीधर जी दी सोहनी मूर्त दे दीदार कर लवो। दरसो अब सोडी सिर मोर, सोडियां दी कुल दे सिर मोर सतगुरु सोडी कुल भूषण गुरु कलगीधर जी दे दर्शन परस लवो। दुर्लभ है जिन दर्शन पावन, आज दे दर्शन सतगुरां दे दुर्लभ दर्शन ने मुड़ के प्राप्त नहीं होने। ये अंतले दर्शन ने गुरु कलगीधर दे सोहने स्वरूप दे प्रतख रूप विच। हाँ सूखम नेत्रां वाले बाद विच भी करदे रहणगे, पर साडे कोल स्थूल दृष्टि ते महाराज जी दे सोहने स्वरूप दे दर्शन करन दा अज दा ही अखीरला दिन है। चलो संगते चल के कलगीधर दे दर्शन करिए। परसे चतुर पदार्थ पावन, गुरु जी दे दर्शना दा ए वड्डा महात्म है, जेड़ा भी माई भाई जाके कलगीधर दे दर्शन परसदा है उन्हां नूं दर्शन परसने मात्र नाल चौं पदार्थां दी प्राप्ति हो जांदी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पदार्थ कहे जांदे हन। चार पदार्थ चारों पाए, चारे पदार्थ सतगुरु जी दे दर्शन करके प्राप्त हो जाते हैं। ताए ताए अस कह कह आए, इदा कह कह के भज भज के वहीरा कत कत के लोग आ रहे हैं। जहूं ओर ते नर समुदाए, चारा दिशावां तो चौं पासियां तो अनेकां संगतां दे वहीर चल के जेड़े आम लोग ने जिन्हां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे दर्शनां दी महिमा दा पता लगा, सिख तां आ ही रहे ने, आम सधारण लोग भी दर्शना वास्ते आ रहे हैं। निकट दूर ते उर बिस्माए, एड़ो दूरों नाले मन च बड़ी हैरानी धारण करके कि सतगुरु जी कैसे सरबग ने जिन्हां अपने सचखंड जाण वास्ते पहला ही कुछ दिन दस दिता भी असी जाना है। कैसे महाराज परम कृपालू दयालू हन। मिले आन कर आनंद पाए, आए संगतां हजारां दी गिणती विच तख्त साहब वाले स्थान ते संगत इकत्र होई, मिल मिल के कठिया हो के सारी लुकाई उमड़ाई और सतगुरु जी दे सोहने दर्शन दिदारे कीते। जोगी जति पुंज ब्रह्मचारी, सतगुरु जी दे दर्शना लई बड़े बड़े योगी आए हैं, ब्रह्मचारी आए हैं, सिद्धनाथ आए हैं, सन्यासी आए हैं, वड़े वड़े महात्मा ऋषि मुनि आए हैं कि सतगुरु कलगीधर जी दे दर्शन परस लईए। बैरागी बो पेखन तारी, बड़े बड़े बैरागी लोग आए ने पेख तारी, जेड़े कई प्रकार दे पेखां दे धारनी सन, वो सारे महात्मा साधु जोगी जंगम सरेवड़े सब महाराज जी दे दर्शना नू आए हन। हिंदू तुरक सुने जब जिस किस, जेड़ा कोई हिंदू सुनदा है, जेड़ा कोई मुसलमान सुनदा है, जेड़ा सुनदा है कि कलगीधर जी ने अज सचखंड चले जाना है, उन्हां दे अज दे दर्शन दुर्लभ दर्शन ने, ओ सुन सुन के चल के सतगुरां दे दर्शनां नूं आ रहे ने। उतलावत आवत गन सब दिशे, उतला के काली नाल चारे पास्यों संगतां हुम हुम आ के आउंदियां हन। पीर फकीर साध सब आए, वड्डे वड्डे पीर, बड़े बड़े वड्डे साधु, बड़े बड़े वड्डे महात्मा
सिद्धनाथ चल के आए हन दरसे चौंप वधावत ताए बड़े चौंप नाल बड़े चा नाल भजे भजे आउंदे है सतगुरु जी दे दर्शना वास्ते ते इस तरह दौड़े आउंदे है किते साढ़े जान तो पहला सतगुरु समा ना जान साढ़े जान तो पहला किते कलगी तर सचखंड ना चले जान एदा बड़े चौंप ते चा नाल दौड़ के भज के बड़े बड़े पीर नाथ आ रहे ने तन तन गुर सत गुर पूरे कहीं सकल इम निकट के दूरे भावे कोई नेड़े खड़ा सतगुरां दे ते भावे कोई दूर खड़ा क्योंकि संगत बहुत ज्यादा है सारे तो नहीं सी नेड़े खलो सकते कुछ नेड़े खड़े ने कुछ दूर खड़े ने पर हर एक दी रसना ते इको शब्द है धन हन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब पूरे सतगुरु जी धन हन सब दी रसना तो यही बोल बोले जा रहे ने चौ दिशन ते मेला पयो चारा दिशावां तो वड्डा भारी जोड़ मेला गुरु चरणा विच होया है सतगुर सब को दर्शन दियो सतगुरु जी ने सब नू दर्शन दिते हन सब नू अपने सोहने मनोहर दर्शन दे के कृपार्थ कीता है चार करी लग थिरे दीवान चार घड़ियां ताई दिन दियां चार घड़ियां महाराज रात सारी बैठे रहे ने अमृत वेले साधना च रहे ने हुण दिन दियां चार घड़ियां दे समय बीतण तो बाद ताई महाराज जी दीवान च बैठे दर्शन देंदे रहे उन एकांत पे प्रभु सुजान चार घड़ियां दर्शन देन तो बाद महाराज जी दीवान च उठे ने और एकांत विच गए हन देग सबन को ते बरताई और एकांत विच जाके सतगुरु जी आराम दे विच स्थित होए हन और कड़ा प्रसाद दियां देगां दे वरतारे सारिया विच वरताए गए बाचित लेकर अच समुदाई लोड़ अनुसार सारिया ने खुलियां देगां कड़ा प्रसाद दियां लै के छकियां ने आनंदित होए हन श्री गुरु अपनो थार अनायो इन्हें नू सतगुरु जी ने हुक्म करके अपने प्रसादे वाला भोजन वाला थाल मंगाया है अच्छियो आहार जता रुच पायो सतगुरां दी जितनी रुचि सी साहब ने अपनी रुच अनुसार प्रशादा छकया भोजन छकया है उन्हें पान इत पान कटोरा और फिर जल छकन वास्ते जल मंगाया कटोरा जल दा महाराज जी अगे बाटा रखिया जल दा भर के पान कियो किए आन न्योरा और गुरुदेव ने जल दा वो बाटा छकया है और उसे जल दे नाल महाराज जी ने चूड़ा चुरा कीता है कुछ कपियो पुन चुरा सुधारा राजा जल छक के महाराज जी ने चूड़ा कीता पान पकारे थिरे उदारा और पातशाह ने अपने हाथ धोए हन हाथ तगड़े कीते ने खालसे दे बोले च हाथ तगड़े कीते सतगुरु जी ने कितक समय पोडे पर्यंका पातशाह प्रशादा छकन तो बाद दोपहर दा क्योंकि एक पैर दिन दा बीत गया दूसरा पैर सी रात सारी महाराज जागदे रहे ने प्रशादा छकण तो बाद महाराज जी कुछ समय लई पलगे ते विराजमान होए ने सागर सोडी बंस मयंका जेड़े सोडियां दी कुल दे सागर दे विच मयंक रूप ने चंद्रमा रूप ने डेढ़ जाम जब ऊ दिन रहयो जदों डेढ़ क पैर दिन रह गया शाम जे दा समा हो गया उन शनान आची बिद करे सतगुरु जी ने जाके शनान पान कीता है जल मंगाया स्वच्छ जल सेवादार लियाए पिछले पैर महाराज सच्चे पातशाह जी ने इशनान कीता है कोशिश सब नवीन अनवाई जेड़ी पोशाक भाई संतोख सिंह जी ने तैयार करवाई सी नवी ओ नवी पोशाक महाराज जी ने मंगवाई है
ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਕਾਚ ਕਟ ਕਸੀ ਸੁਹਾਈ, ਪੇੜ ਕਛਹਿਰਾ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਨਵੀਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸਨ ਤੇ ਸਭ ਨੀਰ ਨਿਚੋਰਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਕੇਸ ਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ 'ਚ ਕੇਸ ਸੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕਣ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਹਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹਟ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਸੁਕਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਕਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਕਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧੂਪ ਤੁਖਾਏ ਗੰਧ ਚੱਕ ਚੋਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾ ਸੁਗੰਧੀ ਲਿਆਏ ਤੁਖਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਮਹਿਕ ਆਵੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੂਰਾ ਨੀ ਕੀ ਰੀਤ ਬਣਾਇਓ, ਕੇਸਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਜੂੜਾ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ ਮੂਚ ਕੇਸ਼ਨ ਚਿਕਨਾਇਓ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛੇਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਛੇਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਿਓ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਛੇਵਾਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਿਕਨਾਹਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਛੇਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੇਵਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੁਛਹਿਰਿਆਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਨੀਕ ਲਈ ਉਸ਼ਨੀਕ, ਦਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਘਾ ਫੇਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਘਾ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਜਾ ਕੇ ਜੂੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੂੜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਸਗੀ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ਼ਨੀਕ, ਉਸ਼ਨੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਗ ਨੂੰ, ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਚਿੰਨ ਕਰ ਧਰ ਥਿਰ ਦਾਸ ਨਜੀਕ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚੁਣਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਨਾ, ਝਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਾਣੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਲਾਗੇ ਦਾਸ, ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੂਰੇ ਸੰਗ ਛੋਰ ਅਟਕਾਇਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੂੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਨ ਚੋਂ ਔਰ ਪੇਚ ਲਪਟਾਇਓ, ਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਕੇਸਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੇਸਗੀ ਜੂੜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਪੇਟੀ ਹੈ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਸਭ ਪੇਚ ਪਰਵਾਰੇ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ, ਇੱਕ ਪੇਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੇਚ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਜੂਰੇ ਪਰ ਲਿਆਏ ਸੁਧਾਰੇ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਜੂੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਰ ਮਹਾਨ ਦਿਖਾਏ ਅਗਾਰੀ, ਲਾਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਮੁਕਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦਸਤਾਰ ਸਜੀ ਹੋਈ। ਬਹੁ ਵਿਧ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਵਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਬੱਧੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਐਨ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲੜ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੇਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਨ ਖਜਾਨਚੀ ਜਿਗਾ ਦਿਖਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖਜਾਨਚੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆਇਆ ਖਜਾਨੇ ਚੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਜਾਨਚੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੀ ਰੁਚਰ ਬਣਾਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁ ਮੁੱਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਗ ਪਾਲ ਪਰਬੰਧ ਸਜਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਦੀ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੱਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਕਤ ਹੀਰਨ ਕੀ ਦਮਕਾਈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਬਰ ਜਵਾਹਰ ਜ਼ਾਹਰ ਜੋਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜਬਰ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਸ਼ੋਭ ਉਦੋਤ, ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ। ਮੁਕਤਾ ਗੁੱਛਨ ਸ਼ੁਭਤ ਉਜਾਲਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਟਕਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਕਲਗੀ ਬਣੀ ਬਿਸਾਲਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤੋ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਲਗੀ ਔਰ ਉਸ ਕਲਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਲਟਕਦਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਨਾਨਾ ਰੰਗ ਜਵਾਹਰ ਲਾਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਕਲਗੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਲਗੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਕਲਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਘੜਤ ਅਨੂਠੀ ਜੇਬ ਸੁਜਾਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੂਠੀ ਘੜਤ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਜਵਾਹਰਾਤ ਤੇ ਹੀਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈ ਕਰ ਸੰਗ ਉਤੰਗ ਸਜਾਈ, ਕਲਗੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਈ ਹੈ ਕਲਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਕਸਰ ਕਲਗੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਸਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਗੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਿਰ ਝੂਲਤ ਦਮਕਾਈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਹਿਲਦਾ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕਲਗੀ ਝੂਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਲਦੀ ਹੋਈ ਕਲਗੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਤੇ ਸੂਖਮ ਬਰ ਚੀਰ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਐਨ ਬਰੀਕ ਧਾਗੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਮਾ ਪੈਰ ਉਦਪੈ ਸਰੀਰ, ਉਹਦਾ ਜਾਮਾ ਉਹਦਾ ਚੋਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁ ਪਾਲਨ ਕੋ ਸਜਿਓ ਬਿਸਾਲਾ, ਕਈ ਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਾਮਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਕਈ ਹਨ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਲੜਕਾਏ ਸੋਟਾਲਾ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਜਾਇਆ। ਤੀਖਨ ਧਾਗਾ ਖੜਗ ਕਰਾਲੇ, ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਈ। ਕੰਚਨ ਮੁਸ਼ਟ ਜੜਤ ਨਗ ਨਾਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਇਤਨੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਧਾਰ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਠਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਰ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਲਿਪਾਏ ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਲਗੇ ਮੋਨਾਲ ਤਨਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜੜਾਊ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਮਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਾਲਾ। ਤਨਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਨਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਗੋਲਾ ਗੋਲਾ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲੇ ਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੋਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪੇਟੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਾਲਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਚਨ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਕੜੀਆਂ ਅਰ ਚਪੜਾਸ ਬਿਸਾਲਾ, ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਚਪੜਾਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚਾਮੀ ਕਰਕੇ ਚਮਕਤ ਚਾਰੂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਢਾਈਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੀ ਗਾਤਰਾ ਜੈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਗਾਤਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਜਰੀਦਾਰ ਗਾਤਰਾ ਹੈ,
और बड़ा गुलजार होके चमकदा उहदे ते सोहणे रंग बूटे लाए होए ने। श्री सतगुरु ले कर तै समो, सतगुरु कलगीधर जी ने इहो जी श्री साहिब जिहदे इहो जी सुंदर बनावट दी बनी हुई उह लै करके अपने दस्त कमलां विच पहरन ते पूरब कर नमो। श्री साहिब इहदा हत्थां च लई है ते गात्रे पाउण तों पहलां श्री साहिब नूं मत्था टेकिया। भगौती है ना, ते भगौती नूं महाराज जी नमस्कार करदे आ, नमो श्री भगौती बड़ैली सरोही करे एक ते द्वै सुपटा हाथ सोही। नमो श्री भगौती। तो भगौती नूं श्री साहिब नूं गात्रे पाउण तों पहलां महाराज जी ने श्री साहिब नूं इदां अपने मत्थे नाल छुआ के नमस्कार कीती है। परयो निखंग खतंगन करन, और श्री साहब अपने गात्रे सजाई, फिर चार चार उंगल चौड़े खपरे तीरां नाल भरिया होया पत्था ओ महाराज जी ने लिया है। कंचन लगे पाए शुभ बरन, जेड़े महाराज जी दे तीर ने पत्थे विच उन्हां सारे तीरां दे नाल तकरीबन तोला तोला सवा सवा तोला सोना लगा होया, सारे एक समान चमकदे ने, इको जे बने हुए सारिआं नूं सोना लगा होया। जरे कंक के दीर्घ परन, बाणा दे नाल कंक नाम दा एक पंछी हुंदा, चिट्टी चील हुंदी है, उहदे जिहड़े खंभ ने उह महाराज जी दे तीरां दे नाल जड़े होए ने। जन सरपन को घर हित थिरन, कहिंदे तीर काहदे ने, मानो उड्डणे नाग ने ते उन्हां नागां नूं सप्पां नूं पत्था घर मिलिया होवे, तुस घर च बैठे हुए ने। जिहड़ा महाराज जी दा पत्था आया ना तीरां दा, कहिंदे इस तरह समझ लईए भी उह घर मिल गया, खुड मिल गई आ सप्पां नूं, ते इह जिन्ने उड्डणे नाग ने महाराज जी दे तीर उस पत्थे रूपी घर दे विच टिके होए ने। लेकर गरे बिखे तब पायो, इहो जिहा सोहणा पत्था लै के महाराज जी ने अपने गल विच पाया। दोए दिश तरकश खड़ग सुहायो, महाराज सच्चे पातशाह जी दे दोहां पासे पेटी जिहड़ी आ उस ओहदी धारण कीती ते गात्रे खड़ग सोभ रही है। ले दकूल बहु मोला हाथ, और महाराज सच्ची पातशाह जी एक दोए तरकश खड़ग सुहायो, दोए दिश तरकश, दोहां पासे महाराज जी दे तनख है, तीरां दा पत्था है, और गात्रे विच श्री साहिब है, और कीमती दकूल, दकूल साफा भी कह सकते हैं कीमती, ओ महाराज सच्चे पातशाह जी ने लिया है। कमर कसी दिड़ बल के साथ, और दुपट्टा बड़ा कीमती ओ भी जरीदार महाराज जी ने लैके ओदे नाल अपने कमर कसा लाया, सुंदर दशु एक प्रकार दा दकूल दुपट्टा है ओ लैके महाराज जी ने अपने कमर दे नाल कमर कसा लाया है। बिछुआ खंजर बांक कटारे, कमर कसा चंगी तरह कस, कमर कसे दा मतलब है जिहड़ी कमर नूं कस के रखे, ढिल्ला कमर कसा नहीं ना लाउंदे सिंह, तो कमर नूं कसण वाला जिहड़ा कमर कसा उह कस के महाराज जी ने लाया। ते फिर उहदे विच वी शस्त्र किहड़े किहड़े कमर कसे दे शस्त्र, एक है बिछुआ, इह बिछू दे आकार दा बणिया हुंदा, इस करके ਇਹ ਖੰਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਬਜ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਾਤਰੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬੱਧਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਿਛੂਆ ਸਜਾਇਆ। ਬਿਛੂਆ ਖੰਜਰ ਬਾਂਕ ਕਟਾਰੇ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਟਾਰ ਹੈ ਗਾਤਰੇ ਉਸੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੰਜਰ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਬਜ, ਇੱਦਾਂ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪੰਜ ਛੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਂ ਕਮਰ ਕੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਸਜਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮਰ ਕਸਾ ਆਚੀ ਬਿਦ ਕਰਿਓ, ਪੇਸ਼ ਕਵਜ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਬਿਛੂਆ, ਕਟਾਰ, ਪੇਸ਼ ਕਵਜ, ਖੰਜਰ,
ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਚ ਸਜਾ ਕੇ ਕਮਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਥਾ ਯੋਗ ਆਯੁਧ ਗਨ ਧਰਿਓ, ਇਦਾਂ ਜਥਾ ਯੋਗ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗਾਤਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਹੈ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਮਨੋ ਸਰਦ ਰਿਤ ਕੋ ਕੰਨ ਟਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋ ਸਰਦ ਰਿਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਠਾਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੰਚਨ ਲਿਪਤ ਸ਼ਸਤਰ ਦੁਤੀ ਛਟਾ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਜਲ ਮੁਕਤਾ ਹਲਕੀ ਮਾਲਾ, ਔਰ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਜਲ ਮੁਕਤਾ ਹਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਜਵਲ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਉਹ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੋ ਬਲਾਕਾ ਸ਼ੋਭਤ ਬਿਸਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਕਾ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀ, ਬਗਲਿਆਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਸੋਭ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਰ ਮੈਂ ਤਨੁਖ ਇੰਦਰ ਤਨੁਖ ਸੋਭਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਤਨਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਨਖ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਨੇ ਨੀ ਹੱਥ 'ਚ ਤਨਕ ਪਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਭਾ 'ਚ ਸੋਭਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖ ਮਨ ਆਨੰਦ ਗੋਬਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੋਬਾ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਲਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਲੁਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲਨ ਮਧੁਰੀ ਧੁਨ ਗੰਭੀਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਟੇ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਏਦਾਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਡੂੰਘੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ। ਸੁਨ ਹਰਖਤ ਜਨ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਤੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਏਦਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਤੇ ਬਬੀਏ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਚਤ ਬੂੰਦ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਿੱਖ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰਨ ਤ੍ਰਿਕਾ ਵਿਸ਼ੀਅਨ ਕਲੇਸ਼, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਮੁਖ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ, ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਲਖੇ ਮਹਾਤਮ ਕੋ ਮੁੱਦ ਪਾਏ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਮਹਾਤਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਵਹਿਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭ ਥਿਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭਨ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਵਨ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਰ ਨਾਥੇ ਬੰਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਗਤ ਨਾਥ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇ ਚਿੱਤ ਸਿਰ ਧਰ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦੇ, ਕਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਉਚਰੇ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਸੁਨਾਵਨ, ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਹਿਤ ਤੁਮੇ ਆਵਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਤਾਪ ਜੀ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਲਾਖਨ ਕੋ ਦੇ ਕਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ। ਲੱਖੋਂ ਲਾਗੇ ਭਗਤ ਮਹਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜਿਤ ਕਿਤ ਬਿਸਤਾਰੀ, ਧੰਨ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਿਆ ਬਿਖਟਾਰੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਿਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਾਰਿਆ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ
उत्पत करे ओ। राज महान पर उपकार कीता है भारत खंड दी भूमि दे लोकां ते। आप जी ने खालसा पंथ उत्पन्न कीता है, खालसा पंथ साजिया है। तुरक तेज जग ते पर हरे ओ। मलेच्छां दे तेज नूं इस जगत विच्चों पर हरिया दूर कीता है। इत्यादिक जस करे उचारन। इत्यादिक सतगुरां दा जस सतगुरां दी सोभा वर्णन करदे हन। दर्शन प्राप्त नरन हजारन। हजारां प्राणियां नूं सतगुरु कलगीधर जी दे सोहणे दर्शन ददारे हो रहे ने। श्री मुख सबन सुनाए बखाना। सारी संगत नू सुना के महाराज जी बोले, सुनो खालसा बन सावधाना। महाराज जी कहंदे आ, खालसा जी हुण सावधान बन जाओ, सावधान हो जाओ। इस वक्त तनो कनात चुगिर दे भले। तंबू लगा चारे पासे कनात चंगी तरह तान दियो। जिस ते दूर होए नर खले। कनात इस ढंग नाल बनाओ चारे पासे के जिन्नी संगत आ वह दूर दूर ही रहे, वो तंबू दे अंदर नेड़े कनात दे नेड़े ना होण। सब चंदन ईंधन ते समाई। और उना कनातां दे विच जिन्ना चंदन लियांदा है, जिन्ना इंधन बालन लियांदा है, पहुंचो ले ओ चिता रचताई। वो सारा बालन चंदन उत्थे ले जाके ओदी चिखा रच दियो, छेती नाल ओदी चिता बना दियो। प्रथम भूम को ले पो सारे। ते चिखा रचनी है, पहला थले भूमि चंगी तरह स्वच्छ कर लो। तिस पर कुशा देओ बिस्तारे। ते फिर कुशादक जेड़ा घा वगैरा दब है ओ खिलार दे ता जो अंगीठे नु अग्नि लग सके। चंदन चिता रचो ते फेरे। ओदे ते चंदन आदक लकड़ी जो तुसी कत्तर कीती है ओदी चिता रच दियो। जब तिल कृत आदिक विच गे। जो तिल वगैरा जा घ्यो आदक तुसी समग्री जो ल्यांदी है ओदे विच ही अग्नि उस अंगीठे विच उस चिता दे विच ही पा दियो। शोरब तरो सकल ते जाई। और जाके उत्थे सुगंधियां तुखा दियो सारे पासे। की जे त्यारी बिलम बिहाई। और बिना देरी तो जाके सारी तैयारी कर दियो। सोच शनान सर्ब हम कीन। महाराज जी कहंदे असी सोच शनान कर लिया सर्व प्रकार नाल। कोशिश नहीं पैर तन लीन। असी नवी पोशाक भी शरीर ते धारण, क्योंकि अक्सर शरीर त्यागण तो बाद इशनान पान करके नवी पोशाक पवाउंदे आ। महाराज कहंदे असी इशनान पहलों ही कर लिया, पोशाक भी नवी असी पहलों ही शरीर ते धारण कर ली है। ने बाचो तुम अपर करन को। दोबारा बाद विच होर नवी पोशाक बनाउण नूं ना भज्जे फिरियो भी महाराज जी वास्ते नवी पोशाक लियाईए। महाराज कहंदे असी धारण कर ली है जिहड़ी पोशाक पहननी सी। वस्त्र पैर किए शस्त्र धरन को। वस्त्र भी पहन लए ने ते अपने शस्त्र भी धारण कर लए ने। यही रहेंगे संग हमारे। यही साडे नाल रहणगे शस्त्र। भली भांत सब अंगीकारे। ए प्रकार नाल असी ये सारे अंगीकार कर लए ने, तन ते सजा लए ने। सुन आयस को सिंह सिधारे। जी का हुक्म सुनदे आ भाई संतोख सिंह आदिक जिन्ने सिंह सन गए। तनी कनात चुगिर दे सारे। गुरु पातशाह दे हुक्म दी पालना करके तख्त साहब वाली जगह दे चारे पासे कनाता ताणियां हन। गाडी कर गाडी गन मेख। जड़ियां मेखां वगैरा ने बड़ी मजबूती दे नाल गड के लाईयां हन। डोरे बंधन कीन अशेक। उन्हां कनातां नूं बन्नण वास्ते रस्सियां नाल पक्की मजबूती दे नाल नाग वल पा के रस्सियां दे नाग वल पा के बन्नियां हन। लेपन कर अंतर को थाई। और अंदर वाला थां जिथे अंगीठा रचना है गुरु साहब दे हुक्म दे मुताबिक, जिथे अजकल तख्त साहब शस्त्रां दा प्रकाश है, इसे जगह ते गुरदेव दे पावन शरीर दा अंगीठा जेड़ा सिंह वल्लों रचिया गया।
थले जमीन दा चंगी तरह लेपन कीता है। चंदन को उचाए कर लिया है। चंदन दी लकड़ी आदक जेड़ी है वो सिंह चुक के लिया है। गन ईंधन ते चिखा महानी और बहुत सारा बालन लिया के ओदी चिखा रची है। रची पली बिद दिड़ बहु ठानी और बड़ी मजबूती दे नाल चिखा जेड़ी है वो चंगे ढंग दे नाल रची है। थल्यों चौड़ी कर दिया उपर नू सूखम बनाऊं दिया। ज्वलत होता सन परे न गिर के तां जो जदों अग्नि लगे ते ओ थल्ले डिग के ना आवे। थल्यों चौड़े तरीके दे नाल रच के चिखा नू सिंह उपरों आके छोटी कर रहे ने तां जो उत्तों जदों बालन डिगे ते ओ थल्ले बाहर दूर तक ना फैले। इस प्रकार रच काष्ट धर के इस प्रकार नाल सिंघां ने काष्ट दा जिहड़ा चिखा है अंगीठा है ओ रचिया है। शीशे बो गुलाब के छिड़के गुलाब दियां शीशियां भर के लियाए सिंह। आतर दियां शीशियां भर के ओदा छिड़काव कीता चारे पासे। सारी धरती जेड़ी आ सुगंधी नाल गह गच कीती आ धूप दुखाई है। सैत कनात पिघोवन करके कनातां सन चारे पासे ओ भी सुगंधी नाल भे दित्तियां इतर दे नाल गुलाब जल दे नाल जां होर चंदन आदक दा जेड़ा इतर है उहदे नाल जिहड़ियां चारे पासे कनातां ने ओ भी भे दित्तियां हन। अतर फुलेल चिखा मोडारा फुलेल जेड़ा अतर इतर है ओ चिखा दे विच पाया। जै कै उठी अधिक महकार सारे पासे सुगंधी सुगंधी दी महक ही महक जेड़ी है ओ फैली है। इत्यादिक सब कारज करके इत्यादिक सारी सेवा सिंह कर रहे ने पर मन विच नाल ही नाल भारी वैराग है। चिखा रचदियां रचदियां नेत्रां विचों नीर भी वहिंदा सिंघां दे। इह की हुक्म महाराज जी दा वरत रहा है ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੈਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਖਾ ਰਚਦਿਆਂ ਰਚਦਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਦ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਸਜਲ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਪਰ ਲੋਕ ਸਿਮਰ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚੱਲੇ ਹਨ। महाराज जी जो सचखंड चले जाएंगे शोक सहत सोगन ते सोचत की हालत होगी। बड़े सोग नाल बड़े दुख नाल अपने मन ही मन सोचा सोचते ने। बूंद बिलोचन ते जल मोचत इतरा विचों त्रिपक त्रिपक करके बूंदा सिंघां दे वगदियां हैं। चिखा रचदियां दे उस अंगीठे दे विच भी कई सिंघां दे नेत्रां दे जल दियां बूंदां अंगीठे विच भी पईयां हन। जिथे उथे महक खिलर रही है ना उस महक विच सिंघां दे नेत्रां चों वहिंदे हंजू भी ने जिहड़े उहदे विच मिल के जमीन नूं सिंच रहे ने। किस अलंब अब कर हैं बासा सोचदे ने हुण असीं किहदे आसरे वासा करांगे इत्थे किहदे आसरे अपना समा बतीत करांगे। कित दर्शन प्राप्त सुख रासा सुख दाते सतगुरां दे दर्शन हुण सानू किवें होणगे। हुण तां जदों चित करदा दर्शन कर लैंदे हां हुण किवें सानू सतगुरां दे दर्शन होणगे। करे कौन हमको उपदेश सानू हुण कौन उपदेश देगा कौन साडे सन्मुख बह के साडे सिरां ते हथ धरेगा। तजियो देश निज बीच विदेश अपना देश छड के सतगुरां नाल इत्थे विदेश आ गए सी दक्षण विच हुण इत्थे विदेश विच सानू कल्लियां छड के सतगुरु चले हन। इत्यादिक उर बिखे विचारे इतां अपने मन ही मन कई तरां दियां विचारां ਉਹ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੇ ਨਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਗੀਠਾ ਰਚਣ ਦੀ ਕਨਾਤਾਂ ਤਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਟੁਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸ ਆਸ਼ਰਿਤ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ।
गुरु पातशाह दा पवित्र पावन इतिहास कथन करदियां होईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा अरदास करनी सतगुरु जी अगां वास्ते सद बुद्धि ते सुमत प्रदान करन। वाहे गुरु 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 वाहे